मेरा नाम रतन है। मैं खुशियानों का छात्र हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली थी। भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक एक इंच भूमि के लिए न जाने कितने वीरों का लहू बहा था। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। हम पर कोई राज तो नहीं करता, पर लेकिन आज हमारा देश उनके स्वतंत्र नजर नहीं आता। यह गुलाम है गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का। अच्छी आर्थिक व्यवस्था में भी ये स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। प्राचीन भारत में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी अपना पेट अच्छे से भरकर सोता था, मगर इंस्टेंट टेक्नोलॉजी के होते हुए भी आज लोग भुखमरी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब का कारण विकास विकास होना नहीं बल्कि आधुनिकता की दौड़ में आंखें बंद कर अपने संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागना दिखाई दे रहा है। इन सब को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा, हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। ये रानी तबाही के घर जा रही है। ये स्थितियाँ अंग्रेजों से भी बड़ी दुश्मन है हमारी। इन सब से निपटने के लिए हमें चाहिए कि हम एक व्यक्ति की ज्यादा कमाई पर ध्यान न देकर ज्यादा लोगों की कमाई पर ध्यान दें। देश बना है देशवासियों के परस्पर संयोग से। देश को बनाए रखने के लिए देशवासियों का ये संयोग बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अतः मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार क्रांतिकारियों ने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाया था, उसी प्रकार हमें भी इस हमारे देश को इन कठिन परिस्थितियों से आज़ाद करवाना के लिए हर सफल प्रयास करना होगा, तभी हमारा देश सही मायने